गुड मॉर्निंग। आइए मुड़ते हैं फिर से हमारे स्टडी में, रोमन्स चैप्टर 8 एंड एक खूबसूरत चैप्टर को, परमेश्वर के खूबसूरत वचन को, प्रभु की इच्छा से आज हम उसे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। विल रीड फ्रॉम रोमन्स 8 35 टू वर्स 39। आई कैन बी ऑनेस्ट, सच्चाई से कह सकता हूँ कि इसमें हर एक वचन को लेकर एक पूरा अध्याय, हम पूरा दिन हम ले सकते हैं, जिस तरह से हम लास्ट टाइम वर्स 34 का एक भाग लिया था। बट आई वॉन्ट टू कीप इट एज क्लोज एज पॉसिबल दैट वी कैन फिनिश फास्ट। रोमी 8 35 से 8 35 टू 39 आई विल रीड। सो हू शैल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट? शैल ट्रिब्यूलेशन और डिस्ट्रेस और पर्सिक्यूशन और फैमिन और नेकेडनेस of peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. पिछली बार हमने कहा कि हम इस चैप्टर में देख रहे हैं संतों का दृढ़ता, द परसिवरेंस ऑफ सेंट्स किस में है। हाउ डज अ सेंट कैन अंडरस्टैंड और गारंटी कि उसका सैल्वेशन जाएगा नहीं? और हमने पिछली बार एक महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा था कि हमारे लिए इटर्नल इंटरसेशन, इटर्नल हमारे लिए मध्यस्थ कौन कर रहा है? यीशु मसीह स्वयं। और पॉल हमारे हर आर्ग्यूमेंट को, जो हम सोचते हैं कि हमारा तारण जाएगा, पॉल उस तारण को इस तरह से अब्जर्ड बना देता है, बेतुका बना देता है कि अगर यीशु मसीह स्वयं जो तुम्हारा जज है, वही तुम्हारा जल्लाद भी होना चाहिए। वो जो जज और जल्लाद होगा, वही इंसान तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा, वो तुम्हारे लिए फिर से जीवित उठा, वो अब परमेश्वर के दाहिने ओर में तुम्हारे लिए मध्यस्थ कर रहा है, वो किस तरह से तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, किस तरह से तुम्हारे खिलाफ जाएगा, हमने यहां तक पढ़ा, ठीक है। लेकिन अब भी पॉल, हु इज अ मास्टर ऑफ आर्ग्यूमेंट, डज नॉट वॉन्ट टू लीव एनीथिंग एम्प्टी। ऐसा कुछ भी डाउट उसको छोड़ना नहीं है अभी तक कि कहीं मनुष्य को ऐसा लगे कि हाँ, शायद मेरा तारण जा सकता है। और यह समझने के लिए पॉल ने आखिर का ये 5 वचन हमारे लिए दिया है। सब चीज सही है, ठीक है, पर मैं यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, परमेश्वर के दाहिने ओर पर अब मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है, लेकिन अब मेरे साथ जो हो रहा है, शायद उसके कारण मेरा तारण जा सकता है। मेरे साथ अब क्या हो रहा है पता है? हम किसके बारे में सोच रहे हैं? उस फर्स्ट सेंचुरी के रोमी लोगों के बारे में सोच रहे हैं, जो नीरो नामक राजा के कारण, राजा के अंदर फंसे हुए। नीरो स्टार्टेड रूलिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट एडी 54 एंड ही डाइड इन एडी 68। पॉल का यह पत्र शायद एडी 56-57 के बीच में लिखा था। ऐसे समय में नीरो, जो ऐसा मानते हैं कि दुनिया के भयंकर राजाओं में से वो एक राजा था, उस राज्य में जो भी चीज हो रहा था, वो हर चीज की गलती वो क्रिस्तियों पे डाल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, बुक ऑफ एक्ट में हमने पढ़ा है कि रोम के अंदर एक मेजर फैमिन हुआ, भुखमरी थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, उसकी गलती भी वो किस पर डाल रहा था? क्रिस्तियों पर, कि क्रिस्ती एक नए भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए देश में फैमिन शुरू हुआ। मारने का तरीका क्या था? उसने पूरे शहर को आग लगा दिया, क्योंकि उसको नया शहर बनाना था। लेकिन जब आग लग गया, तो उसने कहा ये क्रिस्तियों की गलती है, कि क्रिस्ती ये मानते हैं कि परमेश्वर पूरी दुनिया को जला देगा, व्हाट इज रिटन इन 1 पीटर, उनका ये मानना है करके उनके परमेश्वरों ने इस शहर को जलाया है। उनके साथ कितना कितना अत्याचार होता था, हम सोच सकते हैं। उन्हें नंगा कर भेड़ों के, जानवरों के शरीर के अंदर बांध देते थे, they were tied inside the skin of wild animals, and they would leave dogs, कुत्ते उन पर छोड़ देते थे, जब तक कुत्ते उनको धीरे 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 परेशान कर कर काट कर के उनको मार नहीं देते। उनके वस्त्रों पर वैक्स लगाया जाता था, वैक्स लगाकर उनको उसके गार्डन में उसके झाड़ों के साथ लटकाया जाता था, एंड ही वुड सेट देम अप, उनको शैंडलियर की तरह या कंदिलों की तरह उन्हें जलाकर, क्रिस्तियों को जलाकर वो रोशनी लेता था। इस तरह का सिचुएशन में क्रिस्ती थे, और वो क्रिस्ती अभी आखिर में पूछेगा कि सब ठीक है, यीशु मसीह मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है, वो मेरे लिए मर चुका है, लेकिन शायद
शायद ये जो चीजें मेरे साथ मेरी जिंदगी में हो रही है ना, ये परेशानियां, ये तकलीफें, शायद इससे मेरा तारण रुकेगा या नहीं रुकेगा। ऐसा हो सकता है ना कि ये सारे तकलीफें सहते सहते मैं कहीं टूट जाऊं और बोलूं मैं अब परमेश्वर का नहीं हूं। पॉल नाउ ही इज ट्राइंग टू फिनिश दैट ऑल्सो। अब हमें यह बताएगा कि इन सारी चीजों से आपका तारण जाने वाला नहीं है। एंड दैट्स द रीजन समवेयर इन द मिडल पॉल रीड्स फ्रॉम साम 44। हमने शायद सुबह उससे पढ़ा साम 44 एंड वी कैन रीड वर्स 22। कोई पढ़ सकता है वो साम 44 वर्स 22? वही जो इसमें है। We are regarded as sheep for the slaughter। महत्वपूर्ण की महत्व की बात यह है कि जब यह स्तोत्र लिखा गया था ना, अगर आप स्तोत्र पूरा आपने पढ़ा होगा, आपने देखोगे इसमें इसराइल की गलती है। इसराइल has broken the covenant and that's the reason God is punishing them। एंड तभी भी उनको पता है कि जब गॉड उनको पनिश कर रहा है, उनकी गलतियों के कारण पनिश कर रहा है, उनके पापों के कारण पनिश कर रहा है, लेकिन इट इज फॉर हिज नेम सेक और फॉर हिज सेक दे आर बीइंग पनिश्ड और दे आर बीइंग ट्रीटेड एज शीप फॉर द स्लॉटर। बाइबल में नई चीज नहीं है, हमने बाइबल में अक्सर देखा है। यूहन 16 का 2 कोई पढ़ेगा? आई रीड दैट फॉर यू, कैन ऑल टर्न क्विकली। जॉन 16 वर्स 2, दे शैल पुट यू आउट ऑफ द सिनेगॉग्स, yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he hath doeth God a service। जो तुम्हें मारेगा वो ये सोचेगा वो किसके लिए कार्य कर रहा है? परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा है। बाइबल में उसका एक एग्जाम्पल है ना, पॉल। पॉल को स्वयं लगता था कि जो क्रिश्चियों को मारेगा तो किसके लिए सर्विस कर रहा है? परमेश्वर के लिए सर्विस कर रहा है। इनफैक्ट नीरो के टाइम पैसा होता था ना, वो लोग नीरो को या जो भी सीजर था उसको राजा समझते थे, परमेश्वर समझते थे। तो अगर कोई क्रिश्चियन को लाकर मारता ना नीरो के सामने, तो उनको लगता उन्होंने किसके लिए कार्य किया? परमेश्वर के लिए काम किया, नीरो के लिए काम किया, राइट? इनफैक्ट क्रिश्चियन को मारना इतना महत्वपूर्ण चीज हो गया था ना, इट वॉज ऑलमोस्ट अ रिवर्स इफेक्ट। क्रिश्चियन को इतनी बुरी तरह से मारा जाता था ना कि उनको बुरी तरह से मारने के समय क्रिश्चियन जो रिएक्शन देते थे उसके कारण बहुत सारे क्रिश्चियन जो मर गए वो फेमस हो गए। तो क्या हो गया पता है, वहां के जो बाकी पाखंडी लोग थे उनको लगा अगर फेमस होने का एक तरीका है ना तो ऐसा है कि नीरो के पास जाओ और नीरो को बोलो मैं क्रिश्चियन हूं मुझे मारो। और उनके बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो लोग ऐसे सामने आते थे उनको मारा, लेकिन उनको मारने का लिस्ट खत्म होता ही नहीं था। तो आखिर में उनको बोलना पड़ा पहाड़ है वहां से खुद जाओ, बिकॉज दे थॉट कि व्हेन दे गो इन फ्रंट ऑफ द किंग एंड डू समथिंग स्टूपिड लाइक दिस द गॉड विल कम। बट जीसस ने ऑलरेडी कहा है ऐसा वक्त आएगा जो तुम्हें मारने से। एक और वचन, पहला कुरिन्थी 15:30, जब पॉल कहता है कि हम हर क्षण, वाई डू वी स्टैंड इन जपरी एवरी आर, हर क्षण हम ऐसे तकलीफ में या ऐसे इंडिजिशन के स्टेट में हम रुके रहते हैं। दूसरा कुरिन्थी 4:11 मिला सबको, फॉर वी विच लिव आर ऑलवेज डिलीवर्ड अन टू डेथ फॉर जीसस सेक दैट द लाइफ ऑल्सो ऑफ जीसस माइट बी मेड मैनिफेस्ट इन आर मॉर्टल फ्लैश। जहां पे लोग तकलीफ में है और वो तकलीफ के बीच में पॉल लिखता है कि अगर आप क्रिस्ती हो ना आपको तकलीफ अवश्य मिलेगा। ये पुराने करार का नियम है, नए करार में नियम बदलता नहीं है। यू विल फेस हार्डशिप। डोंट एवर थिंक कि अगर कोई आदमी क्रिस्ती बन जाए ना अब उसका लाइफ बहुत अच्छा है, सब उसको अच्छी चीजें ही मिलेंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, लुक एट दैट वर्स, व्हाट इज साम 44:22 रीड, हाउ डज इट रीड? फॉर योर सेक वी आर किल्ड All the day long, पूरे दिन हम मर रहे हैं। यू नो बोलने का तरीका कैसा होता था, पूरे दिन हम मर रहे हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग मैं मौत से ज्यादा करीब हूं, जिंदगी से ज्यादा दूर हूं, हर दिन मैं मर रहा हूं। पॉल इज सेइंग इफ दैट इज ऑल्सो हैपनिंग टू यू, हु विल सेपरेट यू फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट? And this is important. It is not that the love that you have generated from your heart. ये वो love नहीं है जो परमेश्वर ने तुम्हारे, ये वो love नहीं है जो तुम परमेश्वर के लिए लाते हो। ये rather वो love है जो परमेश्वर ने उसके पुत्र में तुम्हें और मुझे दिया है। In fact, Bible says God is love. Who will separate you from the God who is love? And then He gives their situation. उनका situation क्या है? Shall
ट्रिबुलेशन और डिस्ट्रेस और पर्सिक्यूशन और फैमिन और नेकेडनेस और पेरिल और सोर्ड, ये सब चीजें थी कि वहां के क्रिश्चियन उसमें से जा रहे थे। और उनको पॉल फिर से याद दिला रहा है, इनमें से कोई भी चीज काफी नहीं है तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए। इन फैक्ट द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिबुलेशन के बाद क्या आता है? डिस्ट्रेस। और पॉल बोलता है ये यकीनन प्रॉब्लम है ना। बहुत बार ऐसा होगा कि व्हेन आई एम इन ट्रिबुलेशन, जब मैं तकलीफ में हूं, मेरा अंतकरण किस में से जाएगा? डिस्ट्रेस में से जाएगा। जब मैं तकलीफ में हूं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बोलेंगे परेशानी होगा तो मैं डिस्ट्रेस में नहीं हूं। लेकिन पॉल बोलते तुम्हारा डिस्ट्रेस भी, तुम्हारे अंदर की परेशानी भी तुम्हें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। दैट डिस्ट्रेस कैन नॉट चेंज फ्रॉम गॉड। I was reading Calvin and it was wonderful. Itna ke I wanted to translate that into Hindi and give you. Calvin aisa kehta hai ki jo pareshani mein hoti hai na, jo pareshani hamare man mein hoti hai, wo pareshani hone ke baad bhi main Parmeshwar ko dekh pata hu. Kaise hota hai pata hai? Kehta hai ki jab kale badal chhate hai na, when there are dark clouds kya karta hai? Suraj ko chupa deta hai. Lekin jab suraj ko chupa deta hai, tab kya pura andhera ho jata hai? Kya hota hai? उस काले बादल के अंदर से भी मुझे मुझे कुछ ना कुछ दिखता है। इवन इन दैट डार्केस्ट क्लाउड गॉड्स लाइट विल कम थ्रू दैट डार्केस्ट क्लाउड। इट इज नॉट कंप्लीट डार्कनेस। आई वुड लाइक टू बादलों के रूप में, हालांकि वे सूरज की स्पष्ट चमक को अस्पष्ट करते हैं, लेकिन अभी तक हमें उसके प्रकाश से वंचित नहीं करते। दैट डार्क क्लाउड्स कैन हाइड द सन, लेकिन सन के जो ग्लो है उससे हमें पूरी तरह से अलग नहीं करते। वी विल बी डिस्ट्रेस्ड इन ट्रबल्स, लेकिन वो ट्रबल परमेश्वर का जो ग्लो है, परमेश्वर को प्यार से हमें अलग नहीं कर सकता। इसलिए विपत्तियों में भगवान अंधेरे के माध्यम से अपने पक्ष की किरणों को बेचता है। ऐसा न हो कि प्रलोभन हमें निराश से अभिभूत कर दे। हमारा विश्वास पंखों के रूप में भगवान के वादों द्वारा समर्थित है। सभी हस्तक्षेप करने वाले बाधाओं के माध्यम से स्वर्ग की ओर अपना रास्ता बनाता है। मेरा हर तकलीफ परमेश्वर को दिखाता है। मेरा हर तकलीफ मुझे किसकी तरफ रास्ता बनाता है? परमेश्वर की तरफ। When I am in trouble, the trouble has to take me to God. मेरा डिस्ट्रेस जितना बढ़ता है, एंड इज ऑलवेज लॉजिकल, मेरा ट्रबल मुझे डिस्ट्रेस में ले जाएगा। ये जरूरी है मैं उस डिस्ट्रेस में बहू या परमेश्वर की तरफ देखूं। आई हैव सीन पीपल विद द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैविंग मोर जॉय इन देयर लाइफ। उनको पता है वो डिस्ट्रेस उनको परमेश्वर की तरफ ले जाएगा। उस डिस्ट्रेस में भी वो परमेश्वर का तारण देखते हैं, परमेश्वर का जॉय देखते हैं। कैल्विन इस तरह से कहता है, लेकिन इन तीनों चीजों में ये अंतर है। कलेश में हर तरह की परेशानी या बुराई शामिल है। संकट एक आवक भावना, जब कठिनाई हमें इस तरह की चरम सीमा तक कम कर देती है ताकि हम जान सके कि किस कोर्स को आगे बढ़ाना है। इस तरह इब्राहिम और लूत को भी तकलीफ हुआ था। इब्राहिम जब परेशान हुआ था, इब्राहिम ने अपनी बीवी को क्या बताया था? बैन कहा था। लूत को तकलीफ हुआ था, वो अपने बेटियों से दूर नहीं रह पा रहा था। वो कहता है कि जब ये तकलीफ आएगा ना, ये डिस्ट्रेस आएगा ना, आपको ये नहीं सोचना कि ये तकलीफ ये डिस्ट्रेस मुझे परमेश्वर से अलग करेगी, नहीं करेगी। ये तकलीफ ये डिस्ट्रेस अगर आप परमेश्वर के हो, वो आपको परमेश्वर के पास लाएगी। दैट डिस्ट्रेस हैज टू ब्रिंग यू क्लोजर टू गॉड। और हमने बार बार देखा है, और ऐसा हमेशा कोई नहीं है कि वो डिस्ट्रेस में से नहीं जाएगा। हम इसे कभी ऐसा नहीं मान सकते कि वो ट्रिबुलेशन, वो ट्रबल हमें तकलीफ में और नीचे नहीं लाएगी। नहीं हो सकता। दैट नेकेडनेस, दैट पेरिल, सर पे हमेशा लटकता हुआ तलवार कि मौत आ जाएगा या मौत कल आएगा, इससे शायद हम कभी हमेशा खुश नहीं रह सकते। लेकिन पॉल उसका डायरेक्टली ऑपोजिट मांग रहा है। पॉल कह रहा है कि तुम मान के चलो तुम्हारे सर पर क्या है? तलवार है। तुम मान के चलो तुम मरने वाले हो। अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आता, सूत्र 44:22 पढ़ो। अब समझ रहे? तो वो सूत्र क्या कहता है? फॉर योर सेक वी आर किल्ड ऑल डे लॉन्ग। ये तुम्हारे
तुम्हारे साथ होने ही वाला है और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा तारण जाएगा। Who can separate you from the love of God? इनफैक्ट पॉल क्या कहता है पता है, उन जो भावनाओं को पॉल एक मनुष्य के रूप में ही पर्सनिफाइज दोस प्रॉब्लम्स, कि ये चीजें अगर मनुष्य होती, ट्रिबुलेशन अगर एक मनुष्य होता, डिस्ट्रेस अगर एक मनुष्य होता, फिर भी उसमें ताकत नहीं होती कि तुम्हें उससे अलग कर सकता है, राइट? एंड देन ही गोज फर्दर, व्हाट इज द रीजन, वर्स 36 वर्स 37, ने इन ऑल दीज थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम दैट लव्ड अस। वन क्वेश्चन दैट वी आस्क आवरसेल्फ मेनी टाइम्स, एक सवाल जो हम अपने आप को हमेशा पूछते हैं, व्हाई गो थ्रू ऑल दीज ट्रबल्स, इन तकलीफों से में जाने की जरूरत क्या है, क्यों उस तलवार से गुजरे, क्यों उस नंगपन से गुजरे, क्यों उस डिस्ट्रेस से गुजरे, क्यों उस पर्सिक्यूशन से गुजरे, जरूरत क्या है, ये करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। एंड देन पॉल गिव्स देयर आंसर, नो इन ऑल दीज थिंग्स यू एंड आई आर मोर देन कॉन्करर्स, तुम्हारा शरीर कोई भी नीरो कॉन्कर कर ले, वो तुम्हारे शरीर को कैसे भी जला दे, लेकिन इन सारे चीजों में, इन ऑल दीज थिंग्स यू आर मोर देन कॉन्करर्स। और हमने, मैं मानता हूं वही चीज है रेवलेशन 20 में पढ़ा सुबह, राइट? वी कैन टर्न क्विकली टू दैट, रेवलेशन चैप्टर 20। We can read from verse 1 to 8. Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit and a great chain. And he seized the dragon, the ancient serpent who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. And he threw him into the pit and shut it and sealed it over him so that he might not deceive the nations any longer. Until 1,000 years were ended. After that, he must be released from every mind. When I saw the throne was seated on again, for those to whom authority to judge was committed. Also, I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and for those who had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their forehead, on their hands. तीस पीपल जिनका सर कटा हुआ था, क्या हुआ, वापस जीवित हुए और क्या किया, यीशु के साथ दे रेन्ड, दे रूल्ड लाइक अ किंग विथ क्राइस्ट। इसलिए वन ऑफ द फेवरेट कॉमेंट्रीज ऑन रेवलेशन, उसका टाइटल ही ये है, मोर देन कॉन्करर्स। That verse is taken from the book of Romans. लेकिन वो जानता है कि रेवलेशन पढ़ने के बाद मैं ये कंक्लूजन पे हट ही नहीं सकता कि क्रिस्टी क्या है, मोर देन कॉन्करर। वो कॉन्करर है, वो यीशु में, जीवित यीशु में, जैसा यीशु रूल कर रहा है वो भी रूल कर रहा है। यू एंड आई आर कॉन्करर इन ऑल ऑफ दिस। तो अगर आपको लगता है इन परेशानियों में मैं क्यों जा रहा हूं, Why am I dying daily? Why are all these problems happening daily? You need to tell yourself, you and I are more than conquerors in all these things. आपके तकलीफें कम करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है आपको समझाने का, आपको कौन सी चीज पर देखनी चाहिए। If you're going to see God, you'll realize you are more than conquerors. अगर आप परमेश्वर को देखते हो, यू आर मोर देन कॉन्करर। अगर फिर भी आप परमेश्वर को देख नहीं पाते, लेट्स लुक टर्न टू वर्स 38 अगेन, रोमन्स 8 वर्स 38। पॉल डज नॉट स्टॉप, जब तक हम मानेंगे नहीं पॉल विल नॉट स्टॉप। वर्स 38, नाउ पॉल सेज, फॉर आई एम परसुएडेड। नाउ द मोमेंट ही सेज फॉर आई एम परसुएडेड, हिंदी में कैसा है वो, सॉरी कैन समवन रीड दैट, मैं निश्चय जानता हूं,
For I am, that's not a very good translation. For I am persuaded, वो मैं क्यों उसको बोल रहा हूँ? Because that word is passive. Passive in the sense, Paul says, for I am persuaded. Immediately आपको question पूछना है, who persuaded you? He is saying, he is not saying it, I know now. He is saying, I am persuaded. So he is saying, the question should be, आप अभी निश्चय जानते हो, आपको यह निश्चय कराया किसने? Who is the one who persuaded you? Paul saying, I am persuaded. Someone persuaded me. And this whole chapter we said is about whom? The Holy Spirit. The pura adhyaya kiske bare mein hai? Holy Spirit ke bare mein. So he says, I am persuaded that nothing can change. Nothing can remove. And that's important. मेरा और आपका persuasion, मेरे ये preaching के अंदर से जो परमेश्वर का वचन होगा वो आपको persuade करेगा. You cannot have that joy in your life back by doing things on your own. आप खुद से करके आप जाए कितना ताकत लगा ले आपको परमेश्वर का persuasion आएगा नहीं. लेकिन अगर परमेश्वर आपको persuasion देता है ना वो जाएगा भी नहीं. If you are struggling in your life, you need to ask, has the Holy Spirit persuaded me till now? Can I cannot be separated? अगर वो joy नहीं है, it is because the Holy Spirit has still not persuaded you to understand that. And Paul is saying, I am persuaded. मैं पूरी तरह से परमेश्वर ने मुझे persuade किया है. क्या persuade किया है? Let's look at that. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor powers nor things present, nor things to come, nor height nor depth, or any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. अभी तक पॉल उनको क्या बोल रहा था verse 36 और verse 37 6 में कि जो तुम्हारे साथ आज की तारीख में हो रहा है trials, tribulation, peril, distress, sword, ये तुम्हारे साथ हो रहा है इससे तो तुम्हारा मौत इससे तुम्हारा तारण जाएगा नहीं. लेकिन मैं इस सिचुएशन को और भी आगे ले जाता हूं. तुम तो जो चीज देख रहे हो ना उससे डर रहे हो ना, मैं वो चीजें तुम्हें बोलता हूं जो तुम देख भी नहीं सकते. यू अंडरस्टैंड दैट? अभी तक वो लोग किससे डर रहे थे? सोड पेरल, मेरी तकलीफें. लेकिन पॉल बोलते एक मिनट, मैं वो चीजें दिखाता हूं जो तुम देख भी नहीं सकते, उसका क्या करोगे? यू अंडरस्टैंड दैट? सोड तो तुम्हें दिखता है, नीरो तुम्हें दिखता है, एंजल्स तुम्हें दिखता है क्या? व्हाट अबाउट एंजल्स? कैन एंजल्स मेक यू लूज योर सैल्वेशन? आई मीन व्हेन आई से एंजल्स आई डू नॉट मीन द गुड एंजल्स ऑफ गॉड, द इलेक्ट एंजल्स ऑफ गॉड, आई मीन द इवल एंजल्स, शैतान. वो तुम्हें अलग कर सकता है क्या? कैन द डेविल कीप यू सेपरेट? बिकॉज बाइबल में क्लियर है इन द बुक ऑफ हिब्रूज व्हेन वी रीड के एंजल्स आर मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स फॉर द इलेक्ट. एंजल्स हमारे मदद के लिए परमेश्वर ने दिया है. तो पॉल भी कहता है ये दिखने वाली चीजें छोड़ दो, जो चीजें तुम्हें नहीं दिखती हम उनके बारे में बात करते हैं. वो चीजों के बारे में क्या? लेट्स लुक एट दोस थिंग्स दैट ही सेइंग. फॉर आई एम पर्सुएडेड दैट नीदर डेथ नॉर लाइफ, नीदर डेथ नॉर लाइफ. डज अ क्रिश्चियन गेट स्केयर्ड ऑफ डेथ? We shouldn't be fake to say no. हम झूठे नहीं बन सकते कि हम बोल सकते नहीं मुझे बहुत से डर नहीं लगता. Maybe it sounds good on Shahrukh Khan, not on us. We get scared of death. कभी कभी वो मरने से नहीं होता, कभी कभी शायद हमारे घर के जो लोग हैं उनके कारण क्या होगा शायद ये सोचकर हो सकता है. But let's understand, we're still scared of death. Right? पॉल बोलता है वो डर जो है ना मौत का, कि मौत के बाद क्या होगा वो डर भी आपको होने की जरूरत नहीं है. एंड वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स. दीज थिंग्स कैन नॉट चेंज व्हाट इज हैपनिंग. लेट्स टर्न क्विकली सेकंड तिमोथी एक का दस जहां पर उसने ऐसा लिखा है, हु हैज अबॉलिश्ड डेथ एंड ब्रॉट लाइफ एंड इमोर्टैलिटी टू लाइफ थ्रू द गॉस्पल. लॉर्ड जीसस ने डेथ को अबॉलिश किया है, उस डेथ से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला. ऑल्सो टर्न विथ मी टू 1 Corinthians 15, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. 1 Corinthians 15 वर्स 26. द लास्ट एनिमी दैट विल बी डिस्ट्रॉयड इज डेथ. द आइडिया ऑफ डाइंग इटसेल्फ एट द एंड जीसस विल डिस्ट्रॉय. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट डेथ.
ओके सो मेनी ऑफ अस विल नॉट बी वरीड अबाउट डेथ. हमें से कुछ लोग होंगे सोचते हैं नहीं नहीं मैं मौत के लिए तैयार हूं, परमेश्वर से विश्वास करता हूं मैं मौत के लिए तैयार हूं. लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या पता है? डेथ नहीं, मेरा प्रॉब्लम लाइफ है. रूथ ऐसे कि मैं कंटाल चुका हूं, चाहता हूं कि अभी मर जाऊं, क्योंकि कल ऐसे जीते जाऊंगा ना तो मैं कुछ ना कुछ गलत कर ही दूंगा. तो अच्छा है कि या तो परमेश्वर आए या तो मैं मर जाऊं. पॉल सेइंग नो, नॉट इवन योर लाइफ, नॉट योर डेथ, नॉट योर लाइफ और एनीवन एल्सस लाइफ. जब तक वो जिंदा है ना मुझे टेंशन है, एक बार वो मर जाए ना तो सब ठीक होगा लाइफ में. नॉट योर लाइफ, नॉट समवन एल्सस लाइफ कैन सेपरेट यू फ्रॉम द लव ऑफ गॉड. इट कैन नॉट. इवन द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, देयर इज अ डॉक्ट्रिन दैट गोज अराउंड कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ इवेंट हुआ होगा जिससे तुम्हें छुटकारा चाहिए. And that's what we have in all kind of rubbish of trauma counseling. कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो हुआ होगा, वापस उसको याद करो, वो तुम्हें खुल के जीने नहीं देता, वो तुमको खुल के परमेश्वर के पास. Rubbish. Your life cannot stand in the way of going to God. Nothing, nothing, not even you. Your life cannot separate you from the love of God in Christ. But that love of God has to be in Christ. More about that when we come down. So your death cannot separate you. Your life cannot separate you. Let's go ahead. Let's look at the other things. Nor angels, nor principalities, nor powers. आपने कभी सुना है? और बहुत लोगों ने मैंने ऐसा देखा कि that Christian is suffering from a family curse. उनके ऊपर एक फैमिली कर्स है. उनके पूर्वज ऐसा करते थे, वो कर्स अभी भी उन पे है और उनको ये कर्स से छुटकारा है. व्हाट रबिश, व्हाट रबिश. यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, हर एक मेरा पाप और जितने भी चर्च का पाप है पूरा का पूरा, एवरीथिंग ही हिमसेल्फ बिकेम द कर्स फॉर अस. और हम अभी भी फैमिली कर्सेस को लेके बैठे कि फैमिली कर्स हम पर है इसके लिए हमारा प्रॉब्लम है. It is not the family curse. It is the curse of unbelief which is there on them. Wo unbelief ki atma hai. It is not a family curse. They still have to learn about God. Jo log soch rahe hai ki ab bhi kuch purana maine kiya hai, wo bacha hua hai, mere zindagi ko ruka sakta hai. Let me tell you, agar abhi bhi aapko lagta hai purana aapne kuch kiya hai aur parmeshwar mein aapko maafi nahi mili hai, yakeen maniye aapko maafi nahi mili. You need to know that each of your sins has been solved on the cross by his death. अगर पुरानी चीजों को अगर आप देखते हैं और लगता है उन चीजों के कारण मेरे लाइफ में अभी भी कमी है, there is nothing that can stop you. No angels, no principalities, no power. Let's turn to Colossians 2 verse 15. It's a very important verse. Principalities and powers and making what a public spectacle of them. आपको पता है इसका मतलब क्या है? जब पुराने समय में अगर कोई राजा किसी दूसरे राजा पे जीतता था तो क्या करता था? वो उस राजा को बांध के सबके सामने पेश करता था कि देखो ये राजा था, इससे पहले इसका तुम्हारे ऊपर कब्जा था, अब इसका देखो मैंने क्या हालत कर लिया है, इसके बाद इसमें कोई ताकत नहीं है तुम पर रूल करने का. दैट इज वॉट गॉड हैज डन टू प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स एंड टू डार्क एंजल्स. ही हैज शोन टू अस ऑन द क्रॉस कि उनका हमारे ऊपर और कोई भी कंट्रोल नहीं है. एज अ क्रिश्चियन यू कांट बी समवन हू थिंक्स कि डेविल कैन टेक अवे योर सेल्वेशन, एंजल्स कैन टेक अवे योर सेल्वेशन. देयर इज सम डार्कनेस इन द सिटी जिसके लिए हमें पूरे सिटी में घूम के उसको निकालना है. It's nonsense. God is not saving a Thane or a Bhandupad or a Mulund. Rome ko jisne destroy kiya, Babylon ko jisne destroy kiya, sab chodo, Israel ko jisne destroy kiya. Hum us jagah ko dhoond rahe. How stupid can man get because he does not see the love of God in Christ. And what Christ has done on the cross.
ये जो चीजें हैं, ये जो डर है, हम अक्सर बोलते हैं नहीं नहीं ब्रदर दैट कैन बी यू नो दैट कैन बी वीकनेस ऑफ फेथ. नो इट्स नॉट वीकनेस ऑफ फेथ, दैट्स अनबिलीफ, दैट्स अनबिलीफ. वो विश्वास नहीं करता, वीकनेस नहीं है वो, उसका उसका विश्वास नहीं करने को, उसका अनबिलीफ को आप वीकनेस मत बताइए. अगर वो विश्वास करता ना तो कभी इस तरह के बेतुकी बातों पर विश्वास करता ही नहीं. If he believed in Christ, he would have never believed that he has to run around hunting ghosts. That is not his job. अगर आप विश्वास करते तो पूरी तरह से मानोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें परमेश्वर से अलग करेगा. Ephesians chapter 6 verse 10 and 11. It reads, be strong in the Lord and the power of his might. Take unto you the whole armor of God that ye may be able to stand against the wile of the devil. Verse 12, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you what? The whole armor of God, that ye may be able to withstand in that evil day, having done all to stand. And that's important. Having done all to stand. You know, Paul W. was kata, ki I am persuaded. एक्चुअल उसका लिटरल अगर आप पढ़ेंगे ना, इट शुड बी लाइक दिस, आई स्टैंड परसुएडेड. जैसा बोलते ना, आई स्टैंड करेक्टेड, ही सेइंग आई स्टैंड परसुएडेड. किसी ने मुझे परसुएड किया है कि मेरा तारण नहीं जाएगा, माय सैल्वेशन कैन नॉट गो अवे. नाउ लेट्स लुक एट द अदर थिंग्स. नॉट एंजल्स, नॉट प्रिंसिपैलिटीज, नॉट पावर्स, नॉट थिंग्स प्रेजेंट, नॉट थिंग्स टू कम. आज का दिन भी नहीं, आने वाले चीजें भी नहीं. बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट वी डोंट इवन सी. इससे पहले की चीजें हमें दिखती थी, लेकिन इनमें से जो चीजें लिखी हमें दिखती भी नहीं है. और जब इनसे हम टेंशन खत्म करते हैं, हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं, व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट दैट, कल क्या होगा. नॉट इवन थिंग्स आर गोइंग टू कम कैन सेपरेट यू फ्रॉम द लव ऑफ गॉड इन क्राइस्ट. वर्स 39, नॉर हाइट, नॉर डेप्थ, नॉर एनी अदर क्रीचर, नॉर हाइट नॉर डेप्थ. दुनिया के सबसे बड़ी से बड़ी बातें, द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, और द लोएस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन द वर्ल्ड, नथिंग ऑफ दैट कैन चेंज यू. एंड इंपॉर्टेंटली, नो क्रीचर, नो क्रिएटेड बींग इन द वर्ल्ड कैन टेक योर सेल्वेशन. Who in the world is not created? God. Everything else in the world is created. दुनिया में हर कोई चीज है वो क्रिएट किया. तो पॉल बोलता है दुनिया में कोई भी क्रिएटेड चीज तुम्हारा तारण लेके नहीं जा सकती. इसका मतलब तुम्हारा तारण नहीं जा सकता. Because God is the one who is going to keep it for you. Let's look at that. Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. And this is important. God loves you? Yes. You will still hear the same thing in Joel Austin's sermon also. Ki God loves you. वो बोलेगा कि दुनिया में सब लोगों पर परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यीशु का नाम बोलना. This is the love of God for his people alone, because it is found in Christ alone. आपका तारण सेफ क्यों पता है? इसलिए नहीं कि सिर्फ परमेश्वर आपसे प्यार करता है, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर यीशु में आपसे प्यार करता है. नहीं तो मैं और आप परमेश्वर के प्यार के कभी काबिल नहीं थे, एक तरीके से आज भी नहीं है. But since we are covered in Christ, when he sees us, he sees Christ. वो यीशु को देखता है, हमें नहीं. इफ इट इज नॉट द लव ऑफ गॉड, वी कैन नेवर थिंक दैट वी आर, इफ लव ऑफ गॉड इन क्राइस्ट, वी कैन नेवर थिंक आर सैल्वेशन इज सेफ. दुनिया में कितने भी लोग कितने भी परमेश्वर के प्यार के बारे में बात करें, अगर वो यीशु में नहीं है ना, तो उनको तारण नहीं है. जितना ब्रदर ने स्टार्टिंग में कहा, अगर आपके सर्मन में यीशु नहीं है, इट्स अ वेरी पुअर सर्मन. गो बैक एंड कम अगेन टिल यू फाइंड जीसस इन योर सर्मन. इन योर सैल्वेशन, इफ यू डोंट सी जीसस, इन द लव ऑफ गॉड, इफ यू डोंट सी जीसस, इफ यू डोंट गेट परसुएडेड डेली
अगर रोज मेरा ये परसुएशन पवित्र आत्मा का नहीं है कि मेरा तारण सेफ है और दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा तारण है, समथिंग इज रॉन्ग. टर्न विथ मी 1 John 5:4. It says, this is a victory that overcometh the world now, in the present. What is the victory? Even our faith. Aaj ke tarikh mein, we are overcoming the world, not in the future. But how are we overcoming the world? By faith. Not by ruling over them. Hum apne vishwas se unhe jeette hain, ya unke upar jeet hasil karte hain. That's the reason even today, we are more than conquerors. Aaj, not in the coming future. Today, we are more than conquerors. Not by physically capturing them, but by understanding ke mera taran, mera vishwas, mujhe unke upar lekar gaya hai. Turn with me, Ephesians 1:20. पढ़ेगा उसको Ephesians 1:20 और I'll read that. He set him far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in the one which is to come. He is the exalted one. सब चीजों के ऊपर कौन है? यीशु. He is the one right at the top. So no matter what heights can happen, he is there to keep me safe. यीशु है मुझे वहां पे हर चीज से मुझे सेफ रखने के लिए. Philippians 1:6. It says something like this. He who has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kisne tumhare andar acha kaam shuru kiya hai? Parmeshwar ne. Wo kab tak use khatam karega? Yeshu ke aane tak. Kaun khatam karega? Parmeshwar. In that sense, main aur aap is pure cheez mein passive hai. Then only thing that is required is for us to know. When will we be persuaded? हमें कब पवित्र आत्मा में persuade करेगा कि तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें जो सबसे महत्वपूर्ण चाहिए वो मसीह है और उसका रक्त है. What is the greatest joy that we can have today? सबसे बड़ा आनंद आज क्या है हमारे जिंदगी में? That we know. And we are persuaded by God, that God cannot separate us. हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा आनंद होगा हम जान लेंगे कि परमेश्वर ने हमें persuade किया है एंड वो persuasion आना चाहिए. हम नहीं create कर सकते. God has to persuade. That's the reason when people fall into trouble और जब वो लोग परेशान हो जाते हैं, पहला सवाल आपको पूछना पड़ेगा कि क्या पहला सवाल होगा? जब लोग परेशान होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? तारण कहां है? वेयर इज दैट सेल्वेशन? वेयर इज दैट जॉय दैट कम्स आउट ऑफ दैट सेल्वेशन? वेयर इज दैट होप? मैं ये नहीं बोल रहा तकलीफ नहीं जाएंगी. पॉल बार बार याद दिलाता है, रोज मरोगे, रोज ऐसा लगेगा कि आज मरने वाला हो, मौत और नजदीक है. But when we go into trouble and we lose our hope, we need to ask ourselves, where is that salvation? Where is that joy that comes? Saint Paul was persuaded. Itna persuaded to bolta hai, nahi ja sakta. Aur tumhari jitni bhi baatein hain, tum jo bhi bologe, tumhara taran jayega, wo sare cheeze betuki hain. दुनिया में कोई ऐसा क्रीचर नहीं बना जो तुम्हारा तारण लेके जा सकता है. नॉट अ सिंगल क्रीचर इन द वर्ल्ड कैन टेक अवे योर सेल्वेशन, द लव ऑफ गॉड विच इज देयर फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस. व्हाट इज द थिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ? ऐसा कौन सा चीज है जिससे आप डरते हो? ऐसा कौन सा चीज है जो आपको परमेश्वर के आनंद से दूर रखता है? Is that your circumstances? Is that your life? Is that your family?
इनमें से कोई भी चीज मैं ऐसा नहीं बोल रहा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई इंसान दुनिया में नहीं है जो अपने शरीर के तकलीफ के कारण परेशान ना हो। पॉल स्वयं परेशान हुआ था, बराबर। वी अज्यूम हियर कि इट वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ, मे बी इट वॉज अ पर्सन वॉज ट्रबलिंग हिम, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। पॉल वॉज ट्रबल्ड, वो इंसान उसको ट्रबल कर रहा था या उसकी शारीरिक तकलीफ थी, लेकिन उसका अंत क्या था? माई ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू। तकलीफें नहीं होगी ये कहीं लिख कर नहीं दिया, उल्टा गारंटी दिया है कि तकलीफ होगी। बट डू वी कम आउट ऑफ एंड से हिज ग्रेस इज सफिशियंट फॉर मी, ओ आई एम परसुएडेड। मेरे अंदर वो परसुएशन कंप्लीट है कि गॉड इज नॉट गोइंग टू टेक दिस थिंग अवे। शुड वी नॉट लुक फॉर दैट परसुएशन? Should we not look for that understanding कि नीरो से भयंकर राजा भी आने दो, but I am more than conqueror in all these things। नीरो क्या? नीरो से भयंकर भयंकर राजा आएंगे, आते रहेंगे, जाएंगे, लेकिन जिस तरह से रोम के लोग were more than conquerors, you and I are more than conquerors। उसके बाद नीरो जैसा राजा आपको जानवरों के साथ बांध दे, ये अपने घर के गार्डन में आपको लाइट के लिए जला दे, कहीं पर भी दैट फ्लेम दैट इज इनसाइड यू फॉर गॉड इज नॉट गोइंग टू गो आउट। दैट जॉय विच यू हैव फॉर गॉड इज नॉट गोइंग टू गो आउट। बट देन वी हैव टू आस्क अगेन आवरसेल्फ, एम आई परसुएडेड पैसिवली, क्या परमेश्वर मेरे अंदर वो काम कर रहा है मुझे सिखाने के लिए? Can nothing, nothing can take away that love of God in Christ Jesus। आइए प्रार्थना करते हैं। Oh lovely Master, Oh mighty King, Oh Lord of Lords, we thank you for what you just taught us। Nothing, absolutely nothing can separate us, nor angels, nor principalities, nor powers, nor depth, nor height, nor death, nor life, because we have found life in the life and death of your Son, and in his life again as he sits at your right hand. O Lord, persuade us. Let your spirit persuade us daily as we struggle with this life, with the sword, with the humiliation, with the tribulation, with the perils, with the kings of the earth whose times are limited, with the problems here whose time is limited, with my sickness, my nakedness, which is all limited. ये सारे चीजें खत्म हो जाएंगी परमेश्वर, मैं जानता हूं, ये विश्वास दिला परमेश्वर मुझे, ये खत्म होनी है। दिस नेकेडनेस इज गोइंग टू गेट ओवर, बट वन डे आई विल बी स्टैंडिंग इन योर मिडस्ट, इन दैट रोब्स ऑफ राइटियसनेस विच योर सन इज गोइंग टू कवर मी विथ, उस पूरे कलेशे के साथ, उस सफेद वस्त्र जो तेरे बेटे ने हमें दिया है, उस शादी का वस्त्र जो तेरे बेटे में है। आई विल नॉट बी नेकेड एनी मोर, आई विल नॉट बी इन डिस्ट्रेस एनी मोर, आई विल नॉट बी इन पेरिल एनी मोर, आई विल बी इन सेफ्टी ऑलवेज। बट टुडे ओ गॉड परसुएड आवर हार्ट्स that we are more than conquerors। हम इन सारे चीजों में विजेता है उससे ज्यादा, ताकि ये आनंद हमसे कोई नहीं ले जा सकता। थैंक यू गॉड फॉर दिस प्रॉमिस, थैंक यू गॉड फॉर योर वर्ड, एंड वी बेग मास्टर दैट व्हेन वी डू नॉट हैव दैट पर्सुएशन, जब हमारे अंदर वो राजी नहीं होते परमेश्वर, हम मांगते हैं तेरी आत्मा हमें सिखाए
और हमें रजामंद करे इन सब चीजों के लिए, तेरे सच्चाई के लिए, तेरे सत्य के लिए, और खास करके जब हम प्रभु वेज में आएंगे, मांगते हैं कि फिर से तेरी सच्चाई हमें, तेरा चेहरा दिखाए, और हम यकीन से माने कि हां, जब तक ये परमेश्वर है और वो अनंत कालिक परमेश्वर है, मेरा तारण नहीं जाएगा, पर एक दिन वो अपने पुत्र की तरह मुझे बनाएगा। ये मेज की जो चीजें हैं, हमें उसे चीज की तरफ ले जाने के लिए शक्ति दे प्रभु, ताकि जब मैं इसमें हाथ डालूं, मैं यकीन से हाथ डालूं कि मुझे तारण मिला है, मुझे अनंत कालिक जीवन मिला है, और वो जीवन तेरे बेटे में है और तू उसे रखेगा, और मुझे अपने पापों की क्षमा मांगने में, तेरे पास आकर रोने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। धन्यवाद प्रभु सारी चीजों के लिए, ये सब तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, इसलिए तू सुन।